देश में पिछले ढाई महीने से किसान आंदोलन जारी है, जिसपे किसान नेताओं की हरकतों की वजह से आंदोलन की नींव हर रोज कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं इस बीच किसानों के नाम पर कांग्रेस भी अपनी राजनीति चमकाने में जुट गई है, जिस राजनीति को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी भी बिल्कुल तैयार बैठी है। दरअसल बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की एक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। पीपी चौधरी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को परसोना नॉन ग्रेटा बताने से जुड़ी टिप्पणी को लेकर अधीर रंजन चौधरी को यह नोटिस जारी किया है। पीपी चौधरी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने स्वीडिश नागरिक ग्रेटा के लिए परसोना नॉन ग्रेटा टर्म का इस्तेमाल किया। ये स्वीडन भाषा में कूटनीतिक शब्द है, जिसका मतलब ये है कि किसी देश में कोई व्यक्ति अस्वीकार्य है। चौधरी ने कहा, स्वीडन के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, ये बयान संबंधों को खराब करने वाला है, ये गुमराह करने वाला है, मेरा आग्रह है कि उचित कार्यवाही की जाए। वहीं अगर अधीर रंजन चौधरी का बयान याद किया जाए तो कांग्रेस नेता चौधरी ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन का समर्थन करने और इसको लेकर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया का हवाला दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि जिस तरह से पूरी सरकार 18 साल की एक लड़की के खिलाफ खड़ी हो गई है, उससे देश की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेटा को यहाँ पर सोना नॉन ग्रेटा बना दिया गया है। अधीर रंजन की इस टिप्पणी को लेकर ही पीपी चौधरी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां विदेशी हस्तियों के ट्वीट्स पर भारत की दिग्गज हस्तियों ने भी भारत का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस लगातार इन विदेशी हस्तियों के समर्थन में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर पीपी चौधरी के नोटिस के बाद कार्यवाही कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।